और आपको आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के बारे में एक शब्द नहीं कहा। आरएसएस और बीजेपी चाहते हैं कि चुने हुए लोग इस देश को चलाएं, पूरा का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथों में हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। जब आपके दिल में देश के लिए प्रेम होता है और तब देश में यदि किसी को चोट लगती है या देश को चोट लगती है या देश के किसी नागरिक को चोट लगती है तो आपके दिल को भी चोट लगती है, आप उदास हो जाते हैं। लेकिन पिछले 3 महीनों से मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर एक शब्द नहीं कहा है। ऐसा लगता है कि पीएम मोदी हो या फिर बीजेपी आरएसएस के लोग, इन्हें इसका कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि ये हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की है। राहुल गांधी इंडियन यूथ कांग्रेस के एक कार्यक्रम में वीडियो संदेश के द्वारा पीएम मोदी पर हमला बोला है। राहुल ने कहा कि आपको आश्चर्य होगा कि देश के पीएम मणिपुर जाकर इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी केवल आरएसएस के कुछ चुनिंदा लोगों के पीएम हैं, उनका मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। वे जानते हैं कि उनकी विचारधारा ने मणिपुर को जला दिया है। उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के लिए क्या कर रहे हैं, वे मणिपुर के बारे में कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। राहुल ने आगे कहा कि बीजेपी आरएसएस सिर्फ सत्ता चाहती है और सत्ता पाने के लिए ये कुछ भी कर सकती है। सत्ता के लिए ये मणिपुर को जला देंगे, सारे देश को जला देंगे, इनको देश के दुख और दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लगातार बीजेपी पर हमला करते हुए राहुल बोले कि आरएसएस बीजेपी और कांग्रेस के बीच विचारधारा की लड़ाई चल रही है, जहां कांग्रेस की विचारधारा संविधान की रक्षा, देश को जोड़ने और सामाजिक असमानताओं के खिलाफ लड़ने की है, वही आरएसएस बीजेपी चाहती है कि कुछ चुनिंदा लोग ये देश चलाए और देश का सारा धन उन्हीं के हाथ में हो। राहुल ने विपक्षी गठबंधन के बारे में बताते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन ने एक नाम चुना, इंडिया। ये नाम हमारे दिल से निकला था। जैसे ही हमने ये नाम चुना, नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया को गाली देना शुरू कर दिया। मोदी जी को इतना घमंड है कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो पवित्र शब्द इंडिया को गाली दे रहे हैं। आगे कहा, भारत जोड़ो यात्रा में एक नारा सामने आया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। जहां भी बीजेपी नफरत फैलाए, आप जाइए, जाकर वहां मोहब्बत की दुकान खोलिए। आरएसएस और बीजेपी चाहते हैं कि चुने हुए लोग इस देश को चलाएं, पूरा का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथों में हो, सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस उन्हीं लोगों के कंट्रोल में रहे, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो आर्मी हो, इलेक्शन कमीशन हो, स्कूल्स और कॉलेजेस हो। आरएसएस चाहती है कि ये सारे के सारे उन्हीं के कंट्रोल में रहे। हम चाहते हैं ये जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो हमारा देश है, ये सबका है, हर जात का है, हर धर्म का है, और सब लोगों को इस देश में रक्षा मिलनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, भाईचारा होनी चाहिए। ये लड़ाई आपने देखा मणिपुर में क्या हुआ और क्या हो रहा है। और आपको आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के बारे में एक शब्द नहीं कहा। आपको लगा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जब देश का एक प्रदेश जल रहा है तो देश का प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ तो कहेगा। आप में से बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि देश का प्रधानमंत्री
हवाई जहाज में जाकर इम्फाल में, कम से कम इम्फाल में लोगों से बात करेगा। पिछले कोई भी प्रधानमंत्री होते, कांग्रेस के प्रधानमंत्री तो वहीं बैठ जाते, मगर आपको आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रहा है, मणिपुर के बारे में बोल क्यों नहीं रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चुने हुए लोगों के प्रधानमंत्री हैं, आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं, उनको मणिपुर से कोई लेना देना नहीं। वो जानते हैं कि उनकी विचारधारा ने मणिपुर को जलाया है, मगर जो मणिपुर में दुख है, दर्द है, जो महिलाओं को चोट पहुंची है, उससे नरेंद्र मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले 3 महीनों से मणिपुर जल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या नरेंद्र मोदी को वहां जाकर देखना चाहिए? प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।